तो दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों यहाँ आप सामने देख रहे हैं, ये टीवी का बैक पार्ट जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे, और ये LG की टीवी है। और आज हम यहाँ बात करने वाले हैं कि LG टीवी में जो आउटपुट सोर्स होते हैं वो कितने होते हैं और उनका जो यूज़ है वो कैसे होता है। तो अभी आप यहाँ सामने देख रहे हैं, ये 32 इंच का जो है डिस्प्ले है, LG की टीवी है, ये स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी है। और यहाँ पे आप एक पैनल देख रहे हैं जो कि ये पैनल बना हुआ है। इस पैनल में जो है इसका सारा आउटपुट सोर्स जो है कनेक्टर, जो आउटपुट कनेक्शन है वो यहाँ दिया गया है। अब इसमें हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो ये है कि यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो ये जो इसका पावर कनेक्शन है वो यहाँ पर दिया हुआ DC इन 19 वॉट का लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये मेनली क्या है, ये पावर है, इस टीवी को जो पावर देंगे पावर यहाँ से दिया जाएगा। उसके नीचे ठीक सामने यहाँ पे आप देख रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है एंटीना केबल। तो ये सबको पता है दोस्तों कि चाहे कितनी पुरानी टीवी हो या नई टीवी हो या आजकल जो स्मार्ट टीवी आ रही हैं, इस तरह की एंड्रॉयड टीवी आ रही है, इससे पहले जो डब्बे वाले बॉक्स आते थे, ब्लैक एंड वाइट टीवी आती थी, सब में ये कनेक्शन ज़रूर मिलता है। कोई ऐसी टीवी नहीं होगी जिसमें ये कनेक्शन ना हो, जिसको हम एंटीना कनेक्शन कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो आपका केबल कनेक्शन होता है वो लगाया जाता है। उसके अलावा आजकल जो सेट टॉप बॉक्स लगते हैं, सेट टॉप बॉक्स में जो केबल होता है वो केबल का कनेक्शन या जो एंटीने का कनेक्शन होता है, या फिर आजकल जो डिश टीवी लगाते हैं हम, तो उसका जो कनेक्शन होता है वो डायरेक्ट सेट टॉप बॉक्स में लगता है। तो इसका यूज इसमें नहीं रहता, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट वायर जो है वो सेट टॉप बॉक्स में लग जाती है। लेकिन जब सेट टॉप बॉक्स को लोग यूज़ नहीं करते थे, या आप अगर सेट टॉप बॉक्स की यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको इसमें केबल कनेक्शन देना पड़ेगा, एंटीना कनेक्शन। उसके बाद यहाँ आते हैं तो यहाँ पे देखिए USB का एक स्लॉट दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए AV जिसको केबल कहते हैं, ए ऑडियो वीडियो केबल है। यहाँ पे जो है तीन कनेक्शन दिए हुए हैं। ये बेसिकली मैं आपको दिखाऊँ, ये तीन इस तरह की जो वायर होती हैं ये होती हैं, इनको कहते हैं ऑडियो वीडियो केबल। तो ये ऑडियो वीडियो केबल क्या होती है, रेड का रेड में, वाइट का वाइट में, और येल्लो का येल्लो में, ये इस तरह से लगाया जाता है जिससे आपकी वीडियो ऑडियो और वीडियो आती है। अगर इनमें से कोई एक वायर ख़राब हो जाए तो, अगर ऑडियो की ख़राब होगी तो ऑडियो नहीं आएगा, वीडियो की ख़राब होगी तो वीडियो नहीं आएगा। मतलब कि TV चल रही है, आवाज़ आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है, या फिर वीडियो आ रही है आवाज़ नहीं आ रही, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आती है अगर ये वायर ख़राब हो तो। तो इसको लगाने का जो तरीका वही है, ये येल्लो का येल्लो में, वाइट का वाइट में, रेड का रेड में। तो इस तरह से ये ऑडियो वीडियो केबल का कनेक्शन दिया गया है यहाँ पे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो है ये आप ये निशान देख रहे हैं हेडफोन का। तो ये बेसिकली 3.5 mm का जो जैक होता है आउटपुट, वो यहाँ दिया गया है। अगर आप हेडफोन कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्टिकल डिजिटल ऑडियो आउट, ये क्या होता है दोस्तों, ये भी एक तरह का, अगर आप एक्सटर्नल होम थिएटर कनेक्ट करते हैं इसमें ऑडियो के लिए, तो ये ऑडियो वीडियो के लिए, सॉरी, तो ये ऑडियो के लिए काम आता है। इसका मैं जो है इसका जैक मैं सामने दिखा रहा हूँ आपको, ये जैक होता है इसका जो इसमें कनेक्ट होता है। ये बेसिकली ये जो देख रहे हैं इसको दबाने पे ये खुल जाता है, मैं आपको पुश करके दिखाता हूँ इसको, इस तरह से ये जो है, ये देखिए ये इस तरह से काम करता है। तो इस तरह से इसका कनेक्शन जो है लगाया जाता है। ये भी एक तरह से जो एक्सटर्नल ऑडियो कनेक्ट करने के लिए होता है, इससे आप जो है होम थिएटर वगैरह जो लोग कनेक्ट करते हैं वो इससे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ लैन का कनेक्शन दिया हुआ है, यानी कि इंटरनेट, अगर आपके घर में इंटरनेट है आप डायरेक्ट जो है, आजकल तो ये सब टीवी जो है वाईफाई से चल जाती है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर वाईफाई के अलावा आप वायर से चलाना चाहते हैं, लैन से चलाना चाहते हैं, तो ये कनेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप जो है डायरेक्ट अपना इंटरनेट का वायर लगा सकते हैं, तो ये काम करेगा। अब दोस्तों बात कर देते हैं इसकी, जो कि दो कनेक्शन दिया हुआ है HDMI पोर्ट। ये जो HDMI पोर्ट क्या होता है दोस्तों, कि पहले ये HDMI पोर्ट नहीं आता था, लेकिन ऑडियो वीडियो केबल होते थे, जो पुरानी टीवी होती थी उनमें भी होते थे और जो नई टीवी आ रही है उनमें भी होते हैं। तो ये तीन तीन वायर ना लगा करके आप चाहें तो इसकी जगह पे HDMI केबल यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से। ये देखिए ये HDMI केबल होती है, तो ये HDMI केबल अगर आप लगा देते हैं इसमें, तो इसमें क्या होता है कि ये तीन वायर लगाने से आप बच जाते हैं। अब क्या होगा, आपको ये सिंगल वायर जो है अपने सेटअप बॉक्स में लगा देना है, और ये तीनों वायर का काम जो है, जो ये तीन वायर हैं
इन तीनों वायर का काम ये अकेला वायर करता है HDMI केबल, तो ये इससे एडवांस में है, इसलिए इसमें दो दो पोर्ट दिए गए हैं। अगर आप इसको कनेक्ट नहीं करना चाहते तो आप सीधा एक केबल से इस HDMI केबल को अपने सेट टॉप बॉक्स में लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेट टॉप बॉक्स में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए ये वीडियो कॉन का सेट टॉप बॉक्स है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ HDMI केबल दिया हुआ है, यानी कि ये कनेक्शन जो मैंने वहाँ लगाया है इसको यहाँ लगा दूंगा, तो ये तीन वायर की मुझे ज़रूरत नहीं है। ऑडियो वीडियो का जो है काम ये अकेले वायर करेगा। उसके अलावा अगर मैं इसे कनेक्ट करूँ तो यहाँ पे आप देखें ये भी दिया हुआ है, वाइट का वाइट में, येल्लो का येल्लो में, रेड का रेड में। यहाँ पे दो सोर्स दिए हुए हैं, एक ख़राब हो जाए तो दूसरा यूज़ कर सकते हैं, तो किसी एक लाइन में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, या तो इसमें या फिर इसमें। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो सेट टॉप बॉक्स का पावर का कनेक्शन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, और इसके साथ साथ यहाँ पे रीसेट की एक बटन दी हुई है, और यहाँ पे देखिए S/PDF ये जो है ये दोस्तों किस काम आता है ये भी मैं बताता हूँ आपको। ये एक तरह का ऑडियो आउटपुट सोर्स है, जैसे कि वहाँ पे जैक था 3.5 mm का, इसी तरह से यहाँ पे आप इस तरह का जैक लगा सकते हैं, और जो एक्सटर्नल डिवाइस है कोई भी ऑडियो का एक्सटर्नल डिवाइस है उसको आप इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये HDMI केबल हो गया। उसके अलावा ये मैंने जैसे कि बताया जो यहाँ केबल का कनेक्शन था वो यहाँ दिया हुआ है, कि आजकल जो है जो डिश टीवी होती है उसका केबल इसमें डायरेक्ट लगता है, या फिर एंटीना का जो वायर है वो इसमें डायरेक्ट लगता है, उसके बाद बाकी का सिस्टम यहाँ से कनेक्ट होता है। इसमें एक पेन ड्राइव के लिए USB पोर्ट भी यहाँ दिया हुआ है। तो दोस्तों आपने देखा कि जो टीवी के अंदर जो आउटपुट सोर्स हैं वो क्या हैं, सेट टॉप बॉक्स में आउटपुट सोर्स हैं वो क्या हैं, उनके क्या यूजेस हैं। तो दोस्तों इस तरह की मैं इलेक्ट्रॉनिक की बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ, जो मैं आउटपुट इनपुट सोर्स उसके अलावा टेक्निकल जो प्रॉब्लम होती हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।